झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट डिस्काउंट ऑफर। अब अपना बिजली बिल जमा करना हुआ आसान, लंबी कतारों से छुटकारा और साथ ही बिल पेमेंट पर कैशबैक डिस्काउंट भी। तो आज ही संपर्क करें उपेंद्र ऑनलाइन डिजिटल सर्विस, पूरन चंद चौक, रंका रोड, टंडवा। अब आपके शहर सारठ में खुल गया शिवम मेगा मार्ट। स्थान मेन चौक सारठ सुनिधि इंटरप्राइजेस के पीछे। एक छत के नीचे घर में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री उपलब्ध है। प्रोप्राइटर दिगंबर मंडल, स्थान सुनिधि इंटरप्राइजेस के पीछे, मेन चौक सारठ। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, नियर ज्योतिष रे सिनेमा हॉल, सहेजना रोड, गढ़वा, झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रोहतास जिला से राजकुमार मार्कोनी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तिलोथू स्थित पीएससी की हालत दिनों के दिन बिगड़ती जा रही है। काफी दिनों से यहां एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही। वहीं लोगों का कहना है कि सिर्फ नाम के लिए ही सरकारी हॉस्पिटल है। जो भी डॉक्टर दवा लिखते हैं यह बाहर से मंगाते हैं। यहां डॉक्टर ओपीडी को छोड़कर घंटों गायब रहते हैं। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों का कहना है कि यहां दवा नहीं मिलती है। यहां के डॉक्टरों ने दवा लिखकर अस्पताल के बाहर से दवा लाने के लिए बोलते हैं, जो कि एक साधारण सी भी दवा पैरासीटामोल भी उपलब्ध नहीं है। यह भी बाहर के मेडिकल से लेनी पड़ रही है। वहीं बेड बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं। उस पर सोने पर जितना बीमारी ठीक नहीं होगी उससे ज़्यादा बीमारी हो सकती है। जहां एक और सरकार नशा मुक्ति पर कई अभियान चला रही है, वहीं अस्पताल में ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टर डी एन सिंह ने अपने ऑफिस में मरीजों के चेकअप के दौरान गुटखा जैसे नशीली पदार्थ का सेवन करते पाए गए। इस डॉक्टर के खिलाफ में आशा कार्यकर्ताओं ने पूर्व में नशा किए जाने के आरोप वरीय अधिकारी को भी दी थी तथा इनके खिलाफ में हड़ताल कर प्रदर्शन भी किया था। इसके बावजूद भी अब तक इन पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। आखिर कब तक चलती रहेगी ऐसी व्यवस्था? दिया गया, बोला गया कि जाइए एक्सरे बाहर से करा के लाइए। तो दादी बाहर से एक्सरे करा के लाई और उसके बाद दवा बोल रही है कि दवा पैसा नहीं है, दवा दीजिए। तो बोल रही है, बोल रहा है कि लोग की जाइए बाहर से ले लीजिए दवा। कौन बोला कि बाहर से दवा ले लीजिए? अच्छा, डॉक्टर साहब बोला। तो जो आपके पुर्जा पे दवा लिखा गया था उसी को बोला गया बाहर लेने के लिए? तो वो दवा यहाँ नहीं थी? वही तो बोल रही दादी की यहाँ दवा नहीं है, कि बाहर से जाके लेना पड़ेगा तुमको। अच्छा, तो ये बताइए कि एक्सरे कहाँ से कराया आपने? एक्सरे ललन बाहर से, प्राइवेट से। माँ जी का लीजिए। क्या दिक्कत है मामा आपको दादी? दिक्कत है, अब तक बल चला। अच्छा, तो डॉक्टर साहब दवा नहीं लिखे हैं? ना, खांसी। डॉक्टर साहब को दिखाई थी? हाँ। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब करम कि एक सारा में कुछ नहीं है। हाँ, अब दवाई भी एकदम करम कि जाओ बाहर से ले लो। तो जो दवा, अच्छा, जो दवा डॉक्टर साहब लिखे वो बोले कि बाहर से ले लो? हाँ, यहाँ नहीं दवाई, यहाँ दवाई नहीं है। वो टक्कर करम। कितना दिन से आ रही है आप यहाँ पर? यहाँ हम अभी आई हूँ। अच्छा, तीन दिन। यानी दवा आपको पूरी नहीं मिली यहाँ पे? एक्सरे भी आपने बाहर से कराया? हाँ। एक्सरे कहाँ से कराई थी? ललन डॉक्टर ने। क्या कराई थी वहाँ? क्या कराई थी ललन डॉक्टर के यहाँ? एक्सरे खाली। अच्छा, एक्सरे वहाँ कराई थी। कितना पैसा लगा था वहाँ? 200 रुपया। यहाँ एक्सरे काम नहीं करता है? ना, एक्सरे ये कहाँ होगा। अच्छा अच्छा, नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? फिरना बीघा। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। प्रखंड का तिलोथू का सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे सर एक्सरे नहीं है काफी दिनों से, और भी कई सारे जांच की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। आखिर क्या वजह रहा है कि पिछले 5 महीने से एक्सरे काम नहीं कर रहा है, जांच नहीं काम कर रहा है, मरीजों को दवा तक नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक हमको अपना आइडिया है, यहाँ तक हमको सर्विस में 3 साल हुआ है, 3 साल में बंद हो गए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक्सरे था, जितने भी पीएससी हो या सदर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट में बीच में पता चला कि जब बंद हो गई तो पता चला कि इनका पूर्ण वेतन जो पहले जो वो काट किया था उसका अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण से आगे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण अभी सब जगह एक्सरे बंद। वो लोग है कि जब तक हमारा पूर्ण वेतन नहीं देगा, पूरा पीछे का वेतन नहीं देगा पिछले साल का, तब तक हम आगे का काम नहीं करेंगे। कहे कि सर हॉस्पिटल का अपना कोई है नहीं,
जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल पर आया। मुझे सर एक चीज बताइए कि चूंकि आप डॉक्टर भी हैं और आप पूरे अस्पताल को संभाल रहे हैं, कितने डॉक्टर की यहाँ जरूरत है और अभी कितने दिनों के बाद आखिर आएगा वो? आखिर जो गरीब परिवार आ रहा है यहाँ पे अलॉटमेंट की वजह से उसकी जान भी जा सकती है सर। देखिए वर्ष तो दवाई का जो आवंटन नहीं हम नहीं बता पाए, वो तो सी एस आर करते थे, वो उन लोग के हाथ में है कि कब तक दवा है, वो तो हमारे यहाँ वर्ष में नहीं है ना, हम उनके बारे में भी जानते हैं। लैब की बात करें हम अगर, तो लैब में भी आपकी कोई सुविधाएं नहीं है? हाँ देखिए लैब में अभी फिलहाल तुरंत ही दिया है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को जो चालू करने के लिए केमिकल होता है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं होता, जिस कारण से सब जांच नहीं हो पाती है। मशीन तो मिल गई है लेकिन उसका केमिकल मिल जाए तो हमारा टोटल का टोटल जांच यहाँ हो जाए। सर एक चीज बताइए मुझे, क्योंकि यहाँ सरकारी अस्पताल में गरीबी परिवार आते हैं, ऐसे में जब उनको यहाँ सुविधा नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ जितना है अपने पास आज तक कोशिश करते कि उसको अवेलेबल। अब आधा आधा कुछ नहीं होता जो कि मान लीजिए कि दर्द का भी इलाज टेबलेट हमारे नहीं है तो कुछ कुछ एक डॉक्टर दे देते हैं कि मताई ले लीजिएगा बाहर से। नॉर्मल सी दवा नहीं है सर अस्पताल में? अभी फिलहाल दो तीन महीना से डाइक्लो का सप्लाई नहीं है, वही दर्द का दवा नहीं है, दो एंटीबायोटिक पारासीटामोल भी नहीं है। हाँ पारासीटामोल भी नहीं है, ये तो एकदम कॉमन सी दवा है सर अस्पताल में। आप देखिए इसके बारे में संदर्भ में हम लोग भी मेडिकल अफसर कोई हम प्रभारी या हम धन्यवाद।